हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स। लिमिट्स को अपन रिवीजन के पेज में लेंगे, और साथ साथ अपन क्या करने वाले हैं आज, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो है अपना सबसे पहले अपन रिवीजन करेंगे थ्योरी का, जो भी अपन को थ्योरी होगी ना लिमिट्स की, जी मेन के में जो आती है उसको अपन रिवाइज करेंगे। उसके बाद अपन जो लास्ट ईयर 2021 में जो क्वेश्चन आए थे, 2021 में जो क्वेश्चन आए थे जी मेन के, उनको सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सोल्व करेंगे, अपन को आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो उससे कितने क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं किसी भी एक शिफ्ट को। जी मेन के शिफ्ट हो रहे हैं आजकल, है ना, मॉर्निंग या इवनिंग जो शिफ्ट हो, एक से दो क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर में लिया है मैंने। ओके, तो अब अपन के बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो रिवाइज करते हुए क्वेश्चन करते चलते हैं। तो लिमिट्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, लिमिट्स ऑफ फंक्शन तो सबसे पहले देख लेते हैं लिमिट्स फंक्शन का मतलब। देखिए, जैसे आपको कोई भी एक फंक्शन देनी है इनडिटरमिनेट टाइम भी आने की, तो मान लो कोई भी आपका फंक्शन दे रखा है एक्स इक्वल टू दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर ऑन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इस फंक्शन में मैं क्या रखता हूँ, एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालोगे आप, वैल्यू निकालो एफ ऑफ वन की। अब आपने अगर एक्स की जगह वन रखा यहाँ पर है, वन का स्क्वायर वन होगा, वन माइनस वन ऊपर कितना जाएगा जीरो, नीचे भी वन माइनस वन जीरो, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म होगी। अब जो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म होती है बच्चों, ये मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है, इनडिटर्मिनेंट टर्म है। कौन सी टर्म है बच्चों, इनडिटर्मिनेंट टर्म, ऐसी टर्म जिसको अपन फाइन नहीं कर सकते। तो अब मैथमेटिक्स के पास जवाब नहीं होता है, तो इससे बचने के लिए ही अपन लिमिट लगाते हैं। क्या करते हैं फिर अपन बच्चों, हम जैसे वन पर ये वीडियो आ गई तो अपन क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिटिंग केस करके अपन क्या करते हैं बच्चों, तो मैंने एक बॉक्स बना लिया, समझा रहा हूँ मैं आपको लिमिट कैसे निकाला जाता है। ये जैसे मैंने मान लो ये है ना, जैसे एक्स की वैल्यू ले लूंगा ऊपर के बॉक्स में, नीचे के बॉक्स में मैं एफ एक्स की वैल्यू, अब मैं क्या करूंगा, वन पर जो ऐसी वैल्यू आई ना, तो वन के पहले की नंबर रख के देखता हूँ, 0.9 रख के देखता हूँ क्या वैल्यू देता है, 0.99 रख के देखता हूँ क्या वैल्यू देता है, मतलब एक से कम रख के देखता हूँ। ठीक है, फिर मैं अगले बॉक्स में क्या करूंगा बच्चों, एक से ज्यादा रख के देखता हूँ, 1.01 रख के देखूंगा, कहाँ रखूंगा बच्चों, इस वाले यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखूंगा। जब आप निकालोगे ना बच्चों, में तो यहाँ डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू लगभग फंक्शन की 1.9 आएगी, अगर आप 0.9 रखोगे तो 0.99 रखोगे तो आएगी 1.99 अप्रोक्सीमेट, है ना, कैलकुलेटर में रख के देखिए, 1.1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 2.1 के आसपास, और 1.01 रखेंगे तो 1.01 के आसपास। ठीक है, तो इधर जो वन से कम रखा ना उसको अपन आगे जाए कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, क्या कहते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। और जो एक्स की वैल्यू ज़्यादा रखी है अपन ने एक से, तो राइट हैंड साइड बनेगा, नंबर डाइन में राइट हैंड साइड चले ना अपन, तो ये अंदाजा लगाया जाता है बच्चों कि जब एक्स की वैल्यू कम की गई थोड़ी सी, तो वे भी हो क्या होगी, दो से तो भी कम होगी। देखो ना, एक 0.1 कम किया तो यहाँ भी वैल्यू कितने, दो से कितनी कम होगी, 0.1 कम होगी, 0.01 कम की तो वैल्यू दो से थोड़ी कम हो गई। ऐसे ही जब एक्स की वैल्यू बढ़ाई तो दो से थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ाई तो दूसरी और बढ़ेगी, तो अपन ये कह सकते हैं बच्चे यहाँ पर कि लिमिटिंग केस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन पर एफ ऑफ एक्स, तो क्या देगा लिमिटिंग केस में एग्जैक्टली, तो क्या वैल्यू देगा बच्चे, दो वैल्यू देगा, क्या वैल्यू देगा, दो वैल्यू, इसको कहते हैं। अब एग्जैक्टली नहीं कहा मैंने, मैंने ऐसा नहीं कहा बच्चों यहाँ पर कि फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पर टू दे रहा है, ऐसा मैंने नहीं कहा,
x इक्वल टू वन पर तो क्या आ रहा था, जीरो पॉइंट जीरो आ रहा था। इससे बचने के लिए ही तो अपन लिमिट लगाते हैं। आपको पता लगता है लिमिट क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, जहाँ इंडिटरमिनेंट टर्म आते हैं, जैसे जीरो बाई जीरो के। इस तरह की सात टर्म होती है बच्चों इंडिटरमिनेंट टर्म, ठीक है, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, देखिए, ठीक है ना। तो जो इंडिटरमिनेंट टर्म मैं आपको बता रखा हूँ, सात इंडिटरमिनेंट टर्म दो आई दी अभी है, ये सामने आ रहा है। यहाँ भी देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, अगर यहाँ पर टू रखोगे तो क्या बन गया, जीरो पॉइंट जीरो वहाँ पर कहाँ यूज करेंगे। और इंडिटरमिनेंट टर्म कौन सी होती है बच्चों, देखो एक तो होगी जीरो इंटू इन्फिनिटी, एक होगी जीरो की पावर जीरो, एक होगी वन की पावर इनफाइनाइट, एक होगी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, अगली आ गई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर जीरो और जीरो पॉइंट जीरो, जो अपन अभी कर चुके हैं। इस सबके साथ इंडिटरमिनेंट टर्म मैथमेटिक्स में जहाँ भी आ जाए, मैथ्स को ठेका नहीं है, फिजिक्स में आ जाए, केमिस्ट्री में आ जाए, तो अपन को लिमिट लगेगी ही, उसके बिना आंसर नहीं आना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट, मैंने आपको वहां बताया भी था, ठीक है, किसको कहते हैं। अब अपन देख लेते हैं किस तरह से दिखाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं, सबसे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो लिखा जाएगा एफ के अंदर, मान लो अगर मैं x इक्वल टू ए पर बात कर रहा हूँ तो उसको लिख दिया जाएगा a माइनस जीरो, अगर जीरो की बात करूँ, या ऐसा लिखा जाएगा x टेंडिंग टू a माइनस a से थोड़ा कम, या लिखा जाएगा बच्चों x टेंडिंग टू जी ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो मतलब a माइनस थोड़ा सा कम, ठीक है, या फिर आखिरी में सबसे फेवरेट है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और f ऑफ a माइनस x को तो आपने जीरो की तरफ टेंड कर दिया, एक्सटेंडिंग का पता समझ गए ना, बिल्कुल नेगलिजिबल है, जितने होता है ना बिल्कुल नेगलिजिबल है, और एफ ऑफ ए माइनस सी ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में। राइट हैंड साइड लिमिट में इसका उल्टा जाएगा, जहाँ भी प्लस माइनस आ रहा है वहाँ प्लस है, जहाँ ए माइनस आ रहा है वहाँ ए प्लस है, ठीक है। अब अपन देखते हैं राइट हैंड साइड लिमिट का क्या मतलब है, तो लिखा जाएगा एफ ऑफ ए प्लस जीरो से, या एक्सटेंडिंग टू ए प्लस रहेगा ऑफ एक्स, है ना, एफ एक्सटेंडिंग टू ए प्लस जीरो, ठीक है, तो फेवरेट को ए प्लस जीरो को लिखा जाता है, एस टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, जो मैं आपको बताया भी था यहाँ भी, है ना, ठीक। तो ये दिखाने का तरीका होता है बच्चों लिमिट्स को किस तरह से अपन आते हैं। अब एग्जिस्ट कब करेगी लिमिट, एग्जिस्टेंस का मतलब बच्चों एग्जिस्ट तब करेगी बच्चों जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट साइड लिमिट किसके बराबर आ जाए बच्चों, राइट हैंड साइड लिमिट के अगर दोनों लिमिट बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मतलब राइट हैंड साइड लिमिट, अगर दोनों बराबर आ गई क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं आएगी तो ठीक करती है। अब कुछ थ्योरम देख लेते हैं यहाँ पर अपन, ठीक है, थ्योरम्स में क्या बताया जाता है बच्चों, मान लो कोई भी दो कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, अगर वो किसी के से मल्टीप्लाई है और अगर उसको लिमिट लगाना है तो आप चाहो तो के को पहले बाहर निकाल दो और पूरे फंक्शन में लिमिट लगा दो, क्योंकि के का क्या काम है, कॉन्स्टेंट का क्या काम है लिमिट में। अगली प्रॉपर्टी, अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में दे रखे हैं, प्लस में या माइनस में दे रखे, ठीक है, तो अगर उस पर लिमिट लगाना चाहो तो दोनों पे अलग अलग लगा सकते हो, दोनों पर क्या कर दो अलग अलग लगा दो, बीच में प्लस और माइनस जो भी साइन आ रहा है ले लो, है ना, तो फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल दो, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं लिमिट से। अब मान लो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हो, दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल सकते हो, डिवीजन में भी ऐसा कर सकते हो, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, लेकिन नीचे वाले को ध्यान रखना है कि नीचे वाला नॉट इक्वल टू जीरो हो, जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमीटर में, यहाँ भी क्योंकि डिनोमीटर हो गए जीरो, है ना, तो आप समझ गए वन ऑफ जीरो कितना, ए नंबर ऑफ जीरो इनफाइनाइट है तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, लिमिट दे रखी, तो लिमिट अंदर चली जाएगी, अंदर की निकालने की जरूरत पड़ रही है तो अंदर का ही निकालो, तो बाहर का क्यों ले जाओ, इन फंक्शन के अंदर का ही,
कोई फंक्शन के साथ कोई कॉन्स्टेंट ऐड है, जैसे कि यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जैसे यहाँ अगर ऐड है तो भी उसको चुपचाप बाहर निकाल दो बेचारा को, उसका लिमिट वगैरह कहाँ। अगर कोई फंक्शन लॉगरिथम के अंदर दे रखा है और लिमिट बाहर लगी हुई, तो आप कह रख सकते हो लिमिट को लॉगरिथम के अंदर ले जाओ, अभी निकाल। कभी कोई फंक्शन इनक्लूडीज में दे रखा है इस तरीके से, तो लिमिट लेनी है तो दोनों तो वैसे लिमिट लगा दो, है ना। ये अपन को उसने कहा था सैंडविच पीरियड। अब मान लो कोई फंक्शन दे रखा है जो पावर में दे रखा है, तो आप चाहो तो लिमिट को नीचे भी ले सकते हो, और पावर का पावर में जो कर दो नीचे का नीचे तो लिमिट में सब रहता है, ठीक है। कभी अगर x इन्फाइनेट की तरफ जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को आप रिप्लेस कर दो वन अपॉन x से, तो जो अब इन्फाइनेट की तरफ जा रहा था वो किसकी तरफ जाने लग जाएगा, जीरो। और जो एफ ऑफ एक्स था वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, वन अपॉन एक्स, समझ रहे हो ना, ठीक किया जाता है। तो ये थ्योरम्स भी मैंने कुछ बता दिया आपको, जो अपन जब अपन चैप्टर पढ़ रखते हैं ना फुल होम में तब पढ़ाई जाती है। अब मेथड आपको कितने तरीके से लिमिट निकाली जाएगी उसका मेथड आपको बताया जा रहा है ना, कितने तरीके से अपन लिमिट निकालते हैं उसका पहला तरीका देखो, मेथड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ लिमिट, लिमिट को निकालने की। पहला आएगा बच्चों फैक्टराइजेशन। अगर किसी भी फंक्शन में डिवीजन में दे रखा है और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है, तो आप तो अगर उसका फैक्टर बन रहा है तो काट दीजिए और डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए, खत्म करो, है ना। अगर इनमें कोई फैक्टर कॉमन आगे कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ही ले लेता हूँ, जैसे लिखा होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, स्क्वायर माइनस वन वन पर चेक कर, तो यहाँ पर वन रखने पर कितना रखा रखते हो, जीरो को जीरो आ रहा है। क्या करते हैं इसके फैक्टर डालते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, ए माइनस बी हाँ कि ना बच्चों, तो दोबारा में सोल्व करो उसको, नीचे क्या फंक्शन दे रखा है, समझ गए होंगे कौन सा फैक्टर कट गया, ये कट गया। अब आप एक्स जीरो वन रख दो, वन हो तो वन प्लस वन कितना जाएगा, टू जाएगा, टू डायरेक्ट आ गया, वहाँ भी तो इतनी मेहनत करने के बाद टू जा रहा था, समझ मतलब। तो ये फायदा है फैक्टराइजेशन का, अगर फैक्टर मात्रा हो तो काट दीजिए, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला आ गया बच्चों इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे बच्चों अगला क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है ना। इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट, अब ये फॉर्म क्या कहती है बच्चों, मतलब इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, ये भी इंडिटरमिनेट टर्म में थी ना बच्चों, ये कब आती है, इसको सोल्व कैसे किया जाता है। आपको पता हो अगर एक्स जा रहा है बच्चों किसकी तरफ, इनफाइनाइट की तरफ अगर जा रहा है, तो अपन क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी थी। तो फिर क्योंकि वन अपॉन इनफिनिटी कितना होता है, जीरो, समझ गया ना, वन अपॉन जीरो या फिर नंबर अपॉन जीरो, हाँ सोल्व कर सकते इनफाइनाइट को ले सकते हैं, कह सकते हैं नंबर अपॉन जीरो, तो उसका रिवर्स होता रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन एन, जीरो अपॉन एन मतलब जीरो अपॉन एन रूट आ जाएगा, तो जीरो अपॉन कुछ भी आएगा तो जीरो रहेगा। ये सोल्व करने का तरीका होता है, कहीं भी आपको दिख जाए ना बच्चों सिंपलीजर, तो वहाँ पर यही तरीका होता है, वन अपॉन एक्स रिप्लेस कर दो, ठीक है ना, ओके। और अब क्या बताया जाता है कि मान लो कोई फंक्शन अगर आपको दे रखा है सारा टू अपॉन एक्स, तो वो भी जीरो होगा, क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, तो ये टू आ गया। अब वन अपॉन एक्स तो जीरो है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, तो ऑल ओवर आप देखोगे कि टू और ये पास वाला जीरो हो जाएगा, तो ऑल ओवर ये भी जीरो ही देगा, तो वन अपॉन एक्स हो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स टू, ये सब कहाँ जाएंगे बच्चों, जीरो की तरफ जाएंगे। अब इसको किया कैसे जाता है, मान लो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं आपको देखा हूँ थोड़ा ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको x को कहाँ ले जाना, इनफाइनाइट अगर रखोगे x की वैल्यू, तो ये इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट कॉमन बनेगी, क्या बताइए बच्चों, इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट। अब आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करना पड़ता है बच्चों, x की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे से, ठीक है ना, जिससे वन अपॉन एक्स बनेगा, ठीक है ना। अपन क्या लिखेंगे बच्चों, x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, ठीक है ना, अपन x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे बच्चों, कहाँ से, डिनोमिनेटर में से और डिनोमिनेटर को, यहाँ से मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से मैंने x की पावर टू एक्स
एक्स स्क्वायर को बन गया ऊपर से, ठीक है। तो बचेगा अपने पास ये बचेगा, ठीक है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब आपको क्वेश्चन है किसे लिया, देखो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर को मान लोगे यहाँ तो जो वन बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। यहाँ से नीचे वाले से एक्स स्क्वायर को मान लोगे तो बचेगा टू, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो वो अपॉन में चला जाएगा, ठीक। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया भी था कि अगर 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 एक्स जा रहा है किसकी तरफ बच्चों, इनफिनिट की तरफ, मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि नंबर अपॉन एक्स और नंबर अपॉन एक्स स्क्वायर या नंबर अपॉन एक्स क्यूब ये सब क्या होगी बच्चों, जीरो की तरफ जाएंगी। कहाँ जाएंगी बच्चों, जीरो की तरफ। तो अपन कह सकते हैं सर ये वाला फैक्टर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा आंसर वन अपॉन। इस तरीके से अपने निकलना है, समझ में आया आपको, इस तरीके से अपने निकालेंगे। सोच को लेते हुए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी जे मेन का क्वेश्चन आ गया अपने सामने, ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में आया था, इसको देखो शिफ्ट बन गया, क्वेश्चन ज़्यादा हो गई इसलिए मैंने एक साल के क्वेश्चन दिए बच्चों, ठीक है ना, दो साल के काफ़ी क्वेश्चन हो गए। देखो यहाँ सबसे पहले समय से सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आएगा एन वैल्यू टू इनफाइन, सबसे पहले जीरो सोल्व करना। ये आई टी एफ की प्रॉपर्टी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से बच्चों अपन आर कॉमन लेते हैं, अपन को मिलेगा देखो, ठीक है ना, और पहले अपन सिर्फ इतने पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है ना, मिलेगा, ठीक है ना, ये लिख लिया अपन ने। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, ये जो वन है ना, ये वन ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। जैसे मैं अगर इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो ए माइनस बी बन रहा है, ए माइनस बी ये हो जाएगा वन। मैं रख रहा हूँ इसको इन दोनों के सेपरेशन को मैं रख रहा हूँ तो पता लगेगा अपन को, ठीक है। अब इसको ढंग से देखोगे आप बच्चों तो ये टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी होता है, जो फॉर्मूला होता है बच्चों टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का, तो मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा चुपचाप, बड़ा समय का मतलब क्या होता है, समय का मतलब होता है r की वैल्यू वन रखो, ठीक है, फिर ऐड करो, फिर r की वैल्यू क्या रखो टू रखो और ऐड करो, फिर r की वैल्यू आगे तक कहाँ जाएगी एन तक रखो और ऐड करो, तो ये रखता हूँ मैं तो अपन को मिलेगा, ठीक है, तो ये मिल जाएगा अपन को। अब अगर यहाँ से देख पा रही है तो देखो ये कट रहा है, ये भी किसी न किसी से कट जाएगा, तो आखिर में बचता है बच्चों, अगर ये सेकंड बचा है ना पहली टर्म में, सेकंड बचता है ना बच्चों तो उसके साथ हमेशा सेकंड लास्ट हो, कौन तो बच्चा बच्चों सेकंड लास्ट ही बचता है सेकंड के साथ हमेशा, ठीक है, इनफैक्ट हो गया। और अगर ये कटता तो फिर फर्स्ट के साथ हमेशा लास्ट बचता, तो सिर्फ ये दो टर्म बचेगी और बाकी सब कट जाएगा बच्चों, सब कट जाएगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ तो मिलेगा अपन को, ठीक है, टेन यूनिवर्स एन प्लस वन माइनस टेन यूनिवर्स वन बचेगा। अब बाहर क्या लिखा होता है, टेन लिखा होता है बच्चों, इसको वापस लिखता हूँ तो मिलेगा, ठीक है। अब एन की जगह इनफिनिट रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा टेन इनवर्स के अंदर इनफिनिट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों फाइव बाई टू होती है, और टेन यूनिवर्स वन तो आप जानते ही हैं फाइव बाई फोर होता है, ठीक है। बाहर कितना बचा, टेन बचा। अब टेन के अंदर जो फाइव बाई टू नाइनटी की लगता है, ये फोर्टी फाइव लगता है तो ऑल आउट बच जाएगा फाइव बाई फोर। अब टेन पाई बाई फोर कितना होता है आप जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है वन, इसकी वैल्यू वन क्वेश्चन, ठीक है, छोटे क्वेश्चन था बिल्कुल, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, तो रेशनलाइजेशन का क्या मीनिंग है मैं आपको बता सकता हूँ कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, नाइन टेन से पढ़ते आ रहे हो आप, चलिए तो देखिए इसको कैसे करते हैं। मान लो कभी भी सोल्व करते करते आपके सामने इस तरह के फैक्टर आ जाए, रूट टेन इसमें से गए, तो अपन क्या करते हैं बच्चों उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीपाई डिवाइड करते हैं इसी के कॉम्पोजिट, माइनस आ रहा है बीच में तो प्लस वाला से मल्टीपाई डिवाइड करेंगे तो मिलता है अपन को मल्टीप्लाई किया, ऊपर से देखो तो ऊपर बन रहा है ए माइनस बी जो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए तो होगा ना, और कौन हो जाएगा बच्चे रूट, ये होता है रेशनलाइजेशन। इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन क्या आएगा देख लेते, ये क्या क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था बच्चों आपको
2021 में आया था ये 27 अगस्त को सिर्फ फूल में। यहाँ इन्फाइंट रखा है रोड के अंदर ऐसा रखा है तो अपन इसको क्या कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाला फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, हो जाएगा ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा जो अपन को मिलेगा, ठीक है। अपन को ये मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ, अपन को मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से अपन देखेंगे इन डिनोमिनेटर में जो मैंने एक्स स्क्वायर को ले लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स ही आएगा वहाँ, है ना। अब यहाँ बच जाएगा फिर वन, यहाँ बच जाएगा वन अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ बचेगा वन अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से भी एक्स को ले लिया बाहर निकालना, ठीक है। अब यहाँ से अपन कह सकते हैं कि सर अगर नीचे अगर एक्स की पावर वन है तो ऊपर भी एक्स की पावर वन ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्स की पावर टू ऊपर रहेगी तो कट टू टाइम के बाद आप ऊपर एक्स की पावर वन बच जाएगी, क्योंकि एक्स इन्फिनिटी की तरफ है तो आंसर इन्फिनिट हो जाएगा, तो बी नहीं आएगा ना। इसका मतलब है ये पार्ट हमेशा जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब वो पता लग गया बच्चों, अगर ये पार्ट अगर जीरो हुआ तो आपको बी की वैल्यू नहीं रहेगी, बी की नहीं ए की, तो वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ए बराबर प्लस माइनस वन अपन मिल चुका है, ठीक है। अब ये पार्ट तो जीरो हो चुका है, अब एक्स की अगर हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे अपन, अब इन्फाइनिट बाई इन्फाइनिट किस सॉल्व करते हैं बच्चों को, आपको बताया भी इन्फाइनिट बाई इन्फाइनिट कैसे करते हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर जो वन ही है उसको अगर कॉमन लेते हो तो ऊपर बचेगा सिर्फ माइनस वन और नीचे बचेगा एक्स का पूरा ओपोजिट नहीं है, और क्योंकि एक्स अगर इन्फिनिट जाए तो वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स का ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे बच जाएगा अपन का वन प्लस ए और ऊपर बच जाएगा माइनस वन, ऑल ओवर अपन को मिलेगा बच्चों माइनस वन अपॉन वन प्लस ए इक्वल टू बी। अब देखिए ये वन प्लस ए डिनोमीटर में दे रखा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर ए इक्वल टू माइनस वन तो नहीं होगा ना, कह सकते हैं बच्चों कि ए की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर माइनस वन हुआ तो डिनोमीटर जीरो हो जाएगा, फिर बी की वैल्यू इन्फिनिट होगी, ठीक है। ए की वैल्यू सिर्फ यहाँ वन रखो, अगर मैं इसको इक्वेशन वन मान लूँ तो ए की वैल्यू वन यहाँ रखूँगा तो बी की वैल्यू कितनी बच्चों मिलेगी माइनस वन अपॉन, ए की वैल्यू तो आ गई बच्चों अपनी वन और बी की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन, कौन सा ऑप्शन देख रही बी ऑप्शन, ए की वैल्यू तो वन वैल्यू माइनस वन अपॉन, तो इसका आंसर बी होगा। इस तरीके से कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अब ये भी क्वेश्चन आएगा अपना, ये भी थोड़ा ये कब आया है देखिए, ये आया था बच्चों 2021 में 27 जुलाई को सिप्टू में। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पे रेसलाइजेशन होगा लेकिन डेंजरस है, क्योंकि पावर वन पॉइंट एट है, दो तीन बार करना पड़ेगा आके ना, तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट बार करता हूँ तो अपन को मिलेगा, ठीक है। मैंने साइन एक्स को एस लिख दिया इसे, ठीक है। अब देखिए बच्चों ऊपर तो कुछ नहीं होगा लेकिन नीचे होगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वन अपॉइंट एट पावर है ना, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 बन जाएगा, ठीक है। अब साथ साथ क्या करते हैं, नहीं तो किसी बहुत लंबा हो जाएगा। अपन को पता है कि एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये तो कुछ भी काम नहीं आने वाला, अपन को ऊपर वाला ये क्या काम आने वाला, ये काम नहीं आने वाला। तो अपन क्या करते हैं साइन जिस जीरो को, तो यहाँ साइन जीरो होगा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, ये जीरो जीरो हो जाएगा तो बचेगा ओनली टू बचेगा, उसको लिख देंगे, ठीक है ना। ये बात अपन को मिलने वाला है, ठीक है ना। और जो टू आया उसको मैंने बाहर निकाल दिया, अब इसका फिर से रेसलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ माइनस माइनस आ रहा है प्लस में, तो अपन फिर करते हैं तो मिलेगा अपन को, ठीक है ना। तो नीचे जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी मिलेगा अपन को। और अपन इसकी जगह फिर से हुई, क्योंकि एक्स के लिए जीरो साइन जीरो जीरो होगा, ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो देगा, तो ये भी और ओवर टू देगा, तो यहाँ पर टू भेजेगा फोर जाएगा, है तो मिलेगा अपन को, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको रिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई 1/2 पावर फोर है, ठीक है, मिलेगा अपन को, ठीक है। फिर वापस यहाँ पर अगर एक्स साइन कीजिए फिर जीरो, क्योंकि एक्स जीरो जा रहा है, ये फिर से टू देगा और ये नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मिलेगा अपन को, सबको रफ कर रहा हूँ मैं, मिलेगा अपन को, ठीक है। अब इस ये मिलने के बाद इसको सोल्व करते हैं अपन, अपन को मिल जाएगा ऑल ओवर बच्चों। अब एच की जगह में साइन एक्स रखते हैं, मिल रहा है, ठीक है ना, एट एक्स अपॉन माइनस टू साइन एक्स। अब ये वैल्यू तो वन होती है, अपन जानते हैं साइन एक्स एक्स अपॉन एक्स वन होता है, कट जाएगा और एट से टू कट जाएगा तो बचेगा फोर, माइनस फोर बच जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अपन आंसर आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेंथी है, तो 3 से 4 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं।
अब एक्सपेंशन देख लेते हैं बच्चों, एक्सपेंशन भी काफी काम आता है, ठीक है। देखिए पेंशन सीरीज बोर्ड का मतलब बच्चों एडवांस में भी हो, जे मेन में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिना एक्सपेंशन के नहीं हो सकते। ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, वन प्लस एक्स प्लस बार अपॉन फैक्टर टू, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टर थ्री। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाए ई की पावर माइनस एक्स, तो जहाँ भी एक्स आ रहा है वहाँ माइनस एक्स रख दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, देखो प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर लॉग एक्स का आता है, लॉग वन प्लस एक्स का वो होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री, याद रखना। और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ओवरऑल पूरी सीरीज माइनस में जाएगी। एक की पावर एक्स का भी अपन को एक्सपेंस आना चाहिए, साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, एक्स माइनस एक्स क्यूब ओपन फैक्टर थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव ओपन फैक्टर फाइव, ठीक है। ठीक है, अपन को याद, आपको याद होना चाहिए ताकि बहुत सारे फंसे हुए क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में भी बहुत आए हैं बिल्कुल, फंसे हो जाओगे, ठीक है। लेकिन मेरे लिमिट तक के क्वेश्चन नहीं होते बच्चों, देखिए कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है वन माइनस और ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो अपन को आते हैं, नया नहीं है ना, नए नहीं बात। अब अपन का आ गया एल हॉस्पिटल रूल, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है बच्चों, वो बच्चे जेई मेन के एग्जाम में क्या करते हैं, जब भी इस कोई लिमिटेड क्वेश्चन आता है एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हैं। अब ये बात एग्जामिनर्स को ही पता है, तो वो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन देते ही नहीं जिस जो एल हॉस्पिटल रूल से, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देते, देते हैं कुछ क्वेश्चन तो खुद ही देते हैं जो एल हॉस्पिटल रूल बिना हो ही नहीं पाए। तो क्या होता है ये रूल देखो, ये दो जगह लगता है, तो भाई जीरो फोर पे लगेगा और इन्फिनिट अपॉन थ्री लगेगा, ठीक है ना। कैसे होता है ये, जैसे मान लो ये फंक्शन रहता है लिमिट लगी हुई, तो ऊपर का अलग डिफरेंसेस है नीचे का अलग डिफरेंसेस, उसके बाद भी इनडिटरमिनेंट टर्म आ जाए जीरो बाई जीरो होती आ जाती है अगर फिर से, तो अगेन अगेन अपन ट्राई कर सकते हैं, तो भी बार लगाना चाहो लगा सकते हो, बस इनडिटरमिनेंट टर्म आनी चाहिए। सिकंडीजी क्या है बच्चों, जीरो बाई जीरो या इनफाइनाइट बाई अपॉन इनफाइनाइट पे लगेगा और इसको लगा सकते हो बार बार अगर लिमिट एग्जिस्ट, मतलब इनडिटरमिनेंट टर्म आती जाती है। इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं, आई वे क्वेश्चंस कर लेते हैं, मुझे ये है 2021 में 1 सितंबर, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूट लगा लोगे लेकिन ऊपर इंटीग्रेशन दिख रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, अगर डिफरेंशिएशन हो एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, और जो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव मतलब एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चों इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाले का कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, तो रूल बताया जाता है बच्चों लेबनीज प्रिंसिपल, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होती है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई फंक्शन दिया हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, सबसे पहले तो अपर लिमिट को रख दो टी की जगह, तो क्या मिल जाएगा बच्चों अपन को, आपको वी मिल जाएगा। अब उस लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो अपर लिमिट का माइनस, फिर टी की जगह ए रख दो तो क्या जाएगा एफ ओ, फिर जो लिमिट थी ये कर दो, तो लेबनीज़ रूल कहा जाता है, मुझे इतना याद रखना जरूरी है आपके लिए। अपन लगाते हैं ऊपर है ना, तो पहले तो डिफरेंशिएट करोगे तो पहले इसको रखेंगे यहाँ पर, फिर इसका डिफरेंशिएशन से इसका अगर डिफरेंस आता है तो फिर इसका यहाँ, तो पहले लिखता हूँ मैं और नीचे क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा 2x हो जाएगा, और फॉर्म बच्चों 0/0 कर दूँगा आप देखना अच्छे से, नीचे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, देखो करता हूँ मैं मिलेगा अपन को, ठीक है। तो अपन को ये मिल गया है, मैंने पहले क्या कर दिया x² को यहाँ रखा x में, तो इसका डिफरेंस 6² क्या होता है पहले x² क्या होगा 2 sec x, फिर sec x क्या होता है sec x × tan x, यहाँ पर तो ये रखी थी 0 हो जाए। तो अब अपन ढंग से देखिए इसको, अगर x की जगह मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 5/4, तो वो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 5/4 रख देता हूँ, 5/4 रखने पर ये 5/4 इससे कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, एक 5/4 कितना होता है
रूट टू होता है, अब उसका स्क्वायर होता है ये टू हो जाएगा, ये रूट टू हो जाएगा, ये रूट टू हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चे, 10/1 होता है तो अपन रखते हैं वैल्यू मिलेगा अपन को, ठीक ये मिलेगा। यहाँ से बैकवर्ड से बैकवर्ड को कट जाएगा, ये टू से टू कट जाएगा, रूट टू का स्क्वायर कितना होता है टू होता है, तो ऑल ऑफ मिल जाएगा टू और टू, ठीक ये इसका आंसर। ये एमपीसी से क्वेश्चन नहीं था बच्चों, ये ऑप्शनल था, तो ऑप्शन मुझसे कट गए हैं, और इसके ऑप्शन थे एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू इंटू टू, थ्री इंटू एफ ऑफ टू, फोर इंटू एफ ऑफ टू, ठीक। तो ये आंसर होगा, एक एमपीसी से नहीं था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये चलते हैं आगे, चलते हैं ये भी जेनरेट कर दी सकते हैं। यहाँ भी अगर एक्स की जगह जीरो रखोगे तो ये हाँ एलओ हॉस्पिटल लगाते हैं हम, और का अलग जैसे नीचे का फिफ्टीन जैसे रखते हैं, क्या मिलेगा अपन को, ठीक है ये मिल जाएगा अपन को, लेकिन क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वन होता है, इसका जीरो होता है। अब अपन एक्स की जगह टू रखते हैं तो अपन को मिलेगा उससे, ठीक है। अब अपन को एफ ऑफ टू की वैल्यू जो रखी बच्चों फोर, और एफ एस टू की वैल्यू रखी वन, तो ये रखने पर मिलेगा टू वैल्यू, ठीक है ना, जो अपन को ऑप्शन डी मिल रहा है। ये क्वेश्चन भी ईजी था बिल्कुल, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन, अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये भी वही लेबनीज़ थ्योरम से होगा। अगर यहाँ रखोगे बच्चों जीरो बाई जीरो कैसे बनेगी, मैं आपको बताता हूँ, एक्स की वैल्यू जीरो रखनी यहाँ पे, लिमिट में जीरो आ जाएगा बच्चा, लिमिट में कभी भी इनफाइन है, जब डेफिनेट पढ़ते हो आप, तो अगर जीरो जीरो लिमिट जा रही तो उसका आंसर कुछ भी हो जीरो ही आएगा, ठीक है ना। एक जीरो बाई जीरो अपन यहाँ पर डायरेक्ट लोकेट लगाते हैं, मिलेगा अपन को, ठीक है, तो अपन को ये मिल जाएगा। अब यहाँ देखोगे आप ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स एक्स कट जाए, ठीक है, और टू बाई थ्री बाहर आ जाएगा, मिलेगा अपन को, और अपन देख लेते हैं ना, ये जो एक एक्स बच गया साइन एक्स अपन एक्स मिल जाएगा यहाँ जो वन होता है, ठीक है। तो अपना आंसर जो बच गया वो क्या बच गया बच्चों, टू अपॉन टू ही बच गया, वही आंसर है जो अपन को ऑप्शन ए में दे रखा, ठीक। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में 24 फरवरी, ठीक। तो अब अपन कुछ होम देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं आप कुछ अपनी फिल्म और कुछ होमलेट, ठीक है ना, थोड़ी बहुत होमलेट यहाँ दे रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट होमलेट हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ये साइन एक्स अपॉन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, वन होती है, अपॉन एक्स हो ना, एक्स अपॉन साइन एक्स या साइन अपॉन एक्स की वैल्यू वन होती है, आपको याद रखना है, ठीक। तो उसमें रखोगे तो वन ही आएगा, तो ये 10 वन लिमिट एक्स टर्निंग टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स ये भी वन होता है, या फिर अगर उल्टा लिखा हो एक्स अपॉन टेन एक्स सबकी वन होती है, ठीक है। तो अगर यही साइन इनवर्स में आ जाए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी लिमिट एक्स टर्निंग टू जीरो पर अभी देगा, ठीक है, ऐसे ही टेन इनवर्स होगी, ठीक है, आपको याद रखेंगे। अभी आ गया अगला 1 की पावर इनफिनिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके बारे में हम क्वेश्चन पे देखेंगे। अभी आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, अगर ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये 0/0 फॉर्म बचे, इसका आंसर डायरेक्ट होगा फोर पी। तो यहाँ अगर जो ए आ रहा है ना बच्चों उसकी जगह टू होगा तो यहाँ लॉग टू हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ ई होगा तो लॉग ई हो जाएगा, लॉग ई क्या होता है वन होता है, देखिए नीचे यहाँ पर लॉग ई, क्योंकि ये कैलकुलेशन कैलकुलेशन बेस ई ही होता है, ठीक है, बहुत ये भी याद होगी ऐसी बात, ये अपन एन हॉस्पिटल रूल से करेंगे, ठीक है। ये हो गया लॉग वन, लॉग इन लिमिट कहते हैं उसको, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स जो ऊपर है वही नीचे हुआ, तो उसकी वैल्यू वन होगी कब, जब 0/0 को दे रखी हो, बाकी इसको भी अपन एन हॉस्पिटल रूल से करेंगे, ठीक है। अपन इस पर कोशिश करेंगे, देखो देखो बच्चों इसको अच्छे से देखेंगे अपन, तो ये पूरा एचपी में दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ठीक है ना, ठीक। और ये लिखा है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो आप इसको देखोगे तो ये लगभग मुझे दिख रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी।
अब वन की पावर इन्फिनिटी पे कैसे करते हैं बच्चों, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो बच्चों ये दिया होता है कि अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स दे रखा हो और एक्स टेंडिंग टू ए है और अपना फॉर्म बन रही है वन की पावर इन्फिनिटी, तो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं पूरे क्वेश्चन को ई की पावर में ले जाते हैं और इस एफ एक्स में से एक कम कर देते हैं और पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करूँगा, ठीक है। देखो ये क्या करें, मैंने पूरे क्वेश्चन को मैं ई की पावर में लेके एफ एक्स को एक कम कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं जो पावर में था ऐसे यहाँ कर लेंगे। यहाँ करने पर ढंग से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वन का एक अंदर है ना, इंटू गलती होगी तो बचेगा कितना, ई की पावर में ये बचा है इंटू जी एक्स जाएगा तो क्या होगा देखो, ठीक है। अब यहाँ से ये एन स्क्वायर से एन कट जाएगा। अब ये जो ऊपर का एच पी में दिख रहा है तो किसे निकालते बच्चों पर, तो निकालते कहते हैं इसका रिवर्स ले लेते हैं, ठीक है ना, जो आएगा ये आ जाएगा। अब इसका सम निकाल लेते हैं, इसका सम निकलेगा बच्चों प्रथम एन नीचे नंबर से जाता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है, क्योंकि अपन ने सीरीज का रेशियो पकड़ लिया था क्योंकि सीरीज एच पी में लड़की थी अपन ने ये एच निकाल, तो जो आंसर आएगा वो इसका रिवर्स आएगा। तो इसका उल्टा करके यहाँ रख दूंगा तो वो मिलेगा, ठीक है, तो ये अपन को मिल जाएगा है टू अपॉन एन इंटू एन प्लस। अब क्योंकि नीचे एन की पावर ज़्यादा है तो इन्फिनिट रखोगे तो ये बन जाएगा ऑल ओवर ई की पावर टू अपॉन इन्फिनिटी बनेगा। अब वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो होता है, तो वो भी बन जाएगा ई की पावर जीरो जो वन होगा, तो इसे आंसर इसका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था बच्चे 2021 में 25। आगे बढ़ते हैं, अभी अगला क्वेश्चन भी 2021 में आया था बच्चों 20 जुलाई को सिक्स वन में, ठीक है ना, ये भी वन की पावर इन्फिनिटी दिखा रहा है। देखो यहाँ अगर आप एक्स की जगह जीरो करोगे कोस जीरो वन होता है, ये वन देगा तो ऑल ओवर बचेगा वन, और इसको सोल्व करोगे तो ऊपर एक्स की पावर कम है नीचे ज़्यादा है तो ऑल ओवर एक्स नीचे बच जाएगा तो जीरो आएगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। फिर वही फॉर्म लगाते हैं जो बंद पहले लगाई थी, तो बचेगा कितना अपना, ठीक है ना। अब यहाँ एफ एक्स की जगह तो ये पूरा भी रखा है और जी एक्स की जगह ये पूरा भी रखा है, तो रख देते हैं मिल जाएगा अपन को, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे बच्चे, इस पार्ट को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कोस का एक्सपेंशन रखेंगे, ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर टू तक है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर टू तक का अपन ले लेंगे तो मिलेगा अपन को। इस पार्ट को मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इसकी पावर वन अपॉन टू है, तो ये लिख लिया अपने। अब यहाँ से अपन को सारी पावर नेग्लेक्ट करनी है और ये एक्स की पावर टू तक ले जाना है, उनके बाद बचेगा बच्चों वन माइनस थ्री एक्स का अपॉन टू, ठीक है। अपन आराम से रख सकते पहले इसको यहाँ पर यहाँ तक सोल्व करोगे और बाहर निकाल लोगे जो भी सोल्व करोगे आप नेग्लेक्ट करके, ठीक है। वैसे तो अपन को पता है ये दो टर्म लेकर पावर अंदर ले जा सकते हो, पढ़ा होगा ना आपने, ये पढ़ा होगा कि अगर वन प्लस एक्स की पावर एन है तो इस एन को यहाँ मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से करके आप निकाल सकते हो। मैंने पैसे निकाला तो अब अपन आगे सोल्व करेंगे इसको, बिल्कुल यहाँ रख दूंगा तो मिलेगा अपन को, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ तो मिलेगा। इसके बाद अपन न्यूमिनेटर, और क्योंकि इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी बन रहा है बच्चे यहाँ जीरो है ना, यहाँ पर देखें एक्स की जगह आपने जीरो रख दिया क्या मिलेगा अपन को देखो तो, ठीक है। तो जब अपन यहाँ पर एक्स को यहाँ पर कॉमन लेके काट देंगे बच्चों को ना, तो जब एक्स की जीरो रख दोगे तो अपन को आंसर आएगा ई की पावर थ्री आएगा, सोल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है वो किसके बराबर आ रहा है बच्चों, ई की पावर ए के बराबर, और ए के बराबर आएगा तो यहाँ से ए की वैल्यू थ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर है, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपन को आया था 2021 में आया था, ठीक है ना। तो अब ये देखिए क्वालिटी क्या है इसका, बताओ इसका रूट अल्फा बीटा दे रखा है अगर, तो क्वालिटी को क्या ले सकता हूँ, देखिए मैं ले सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि ये इसके रूट अल्फा बीटा दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में पहले से ही बोला हुआ, ठीक। तो इसको मैं यहाँ रख दूँ तो क्या मिलेगा अपन को, ये आने के बाद अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन रख दूँगा जो होता है वन प्लस एक्स फिर एक्स स्क्वायर अपन फैक्टर टू, तो दो टर्म में हो जाएगा ऐसा, ठीक है। मैं लिखता हूँ इसको क्या मिलेगा अपन को, ठीक है। इसके नीचे अकाउंट में लिखा हुआ है, अब देखिए ये दो टर्म तो कट जाएगी ये और ये तो कट जाएगी इससे, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, आप अगर देख पा रहे हो तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा ये वाला, ठीक। अब जो भी बचा हुआ है आंसर है अपना वहाँ पर, और ये फैक्टर टू से तो इसका स्क्वायर है, ठीक है, एक कट जाएगा एक टू बचेगा सिर्फ, है ना।
अब अपन बीटेक एक्स की जगह बीटा रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 इंटू बीटा माइनस अल्फा था होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर को ओपन कर लेता अपन तो मिलेगा अपन को, मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को अपन ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ सम ऑफ रूट तो दे रखा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, रख देंगे तो मिलेगा 2b स्क्वायर माइनस 4c जो अपन को ऑप्शन सी में मिला हुआ है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, देखिए इजी है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी सिंपली आप देखो तो एक्सपेंसिव कहेंगे, देखिए 2021 में आया था जो 20 जुलाई को सिर्फ, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, e की पावर x का e की पावर माइनस x का और लोग 1 प्लस x का एक्सपेंसिव रख देंगे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सिंपली x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऑल ओवर क्यूब आ जाएगा नीचे, तो मैं लिखता हूँ फटाफट, ठीक है। तो मैंने इसका एक्सपेंसिव लिया है, इस तरह से लिया है कि x की पावर 3 तक ही लिया है, ठीक है, ताकि क्योंकि नीचे x क्यूब दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर x की पावर 1 न्यूमिनेटर में x की पावर 1 2 और 3 को एक साथ लिख लूंगा पावर को मल्टीप्लाई कर कर, ओके कर सकते हो। जैसे मान लो x स्क्वायर निकालना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब निकलेगा, यहाँ x स्क्वायर आ चुका है, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, आगे ना मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है बच्चों। अब ये लिखने के बाद आप मुझे बताइए कि नीचे हाइस्ट पावर 3 है तो ऊपर भी सिर्फ हाइस्ट पावर 3 ही यही होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करूंगा तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है तो 1/x बच जाएगा, और x टेंडिंग 0 तो इन्फिनिटी बनेगा, मतलब ये पार्ट 0 होना चाहिए और ये पार्ट 0 होना चाहिए, समझ पाए। उसके बाद क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ तो 0 पुट कर देता हूँ पहले, तो फिर मैं बताता हूँ आपको क्या रखना, ठीक है ना। तो सोल्व कर लेंगे तो फिर ये कटने के बाद फिर यही बचेगा, तो यहाँ पर भी x क्यूब से ये x क्यूब कट जाएगा, ठीक है, बाकी 0 हो ही गया, तो अल्फा अपॉन 2 और माइनस बीटा अपॉन 3 इक्वल टू 10 हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू दे रखा है। अब इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, अल्फा बीटा का मान निकाल लेना जो आपके सामने निकल कर आएगा, अल्फा बीटा तो आ जाएगा बच्चों 6 और गामा आ जाएगा -9, तो इन तीनों को ऐड कर दोगे तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 12, गामा हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा लगभग 3, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गलती क्वेश्चन है, सबसे आखिरी में करना अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। अब जी ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 2021 में आया था बच्चों 16 मार्च को सिर्फ पढ़ना, ये भी आप ढंग से देखो तो देखो यहाँ तो मैं क्या करूँगा, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर लूँगा, इसको 1 लिख दूंगा, हो जाएगा। बाकी तो आपको यहाँ पर एक्सपेंशन ही लिखना पड़ेगा। अब नीचे हाइस्ट पावर 2 आ रही है तो यहाँ भी 2 तक ले लेंगे, तो देखो बच्चों क्या होगा। अब यहाँ भी पिछली पावर के पिछले क्वेश्चन की तरह पावर को x की पावर 1 x पावर 2 और x की पावर 0 को लिख लेता हूँ तो मिलेगा। अब यहाँ भी आप देखोगे नीचे हाइस्ट पावर 2 है तो सिर्फ यही पार्ट बचेगा, बाकी पार्ट 0 हो जाना चाहिए, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और आप अगर इसको काट दोगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर तो यहाँ से काट दोगे यही बचेगा, तो ए अपॉन 2 बी अपॉन 2 सी अपॉन 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी को डायरेक्ट यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये रखने पर तो यहीं से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 आ गई, तो बाकी क्यों सोल्व करोगे, आंसर होगा 4, ठीक है। बाकी जरूरत पड़ती है तो मैं इसको जरूर पुट करके देखता हूँ, आगे ना, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, अपना आंसर आएगा अपना, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया था 2021 बच्चों 25 फरवरी को सिर्फ 2 में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कौन सी फॉर्म लगाऊँ बच्चों, यहाँ पर ई की पावर में दे रखा है, एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी की वैल्यू, क्या करते हैं बच्चों अपन ई की पावर वाली फॉर्म लगा देते हैं, जो क्या होती है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसके बाद अपन को मिलेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं x को मान के काटूंगा तो मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या नुकसान है बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर में x बच रहा है, क्योंकि अगर ऊपर नंबर आ गया तो नंबर अपन 0 तो क्या होगा, इनफाइनेट होगा, तो अपन को चुपचाप a की ये ऊपर वाला भी 0 रखना पड़ेगा, अपन को a की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 2, ठीक है। और 4 रखने पर, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर थी बच्चों, b के बराबर थी, तो ये अगर इसकी जगह 0 रख दोगे तो पहले ही 0 हो जाएगा लिमिट के पहले, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर तो a माइनस b कितना हो जाएगा, b तो 0 हो गया, a 4 हो गया, तो ये ओवर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन है 2021 का 21 अगस्त त्रिभुवन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने एक फील्ड जी लिखी वो त्रिभुवन होता है, वो लोग बोलते साइन पाई, क्या बोल गया बच्चों साइन पाई बनेगा अगर आप रख दो तो वन जीरो, एक्चुअली तो ये जीरो बाई जीरो बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही बच्चों, यहाँ पर भी जीरो बनना चाहिए। साइन की फॉर्म क्या होती है बच्चों, ये होती है एक्स अपॉन एक्स, ये भी जीरो होना चाहिए तभी आंसर वन आएगा, यहाँ तो पाई बन रहा है, यहाँ जीरो बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको जो है साइन क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा थीटा साइन थीटा होता है, देखिए ठीक है ना, साइन 180 माइनस थीटा भी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है, तो मैं अगर इस पार्ट को थीटा मान लूँ तो उसको मैं 180 माइनस थीटा ले सकता हूँ, तो मिलेगा ठीक है। अब यहाँ से पाई कॉमन लेते हैं तो मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ से आप देखो तो कोस में क्या लेंगे, वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या बचेगा अपन को ठीक है। अब यहाँ अगर एक्स की जीरो हो गई, कोस की वैल्यू अगर अगर एक्स की जीरो तो कोस जीरो वन होता है वन वाई, अब यहाँ जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं साइन की फॉर्म लगा देंगे, साइन का जो एंगल है उसे को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वन हो जाएगा, तो अपन को मिलेगा इससे ठीक है। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लगाता हूँ ठीक है, हम लोग को पता है वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, एक गड़बड़ अपन चाहिए होगी, यहाँ पावर टू दे रखी बच्चे, पावर टू दे रखी टू दे रखी ठीक है ना, इसका स्क्वायर बचना चाहिए ठीक है। वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, लिखते हैं अपन ठीक है ना, तो अपन को मिल जाएगा यहाँ से बच्चे देखो अच्छे से साइन स्क्वायर का हो चुका है, तो साइन की पावर फोर हो जाएगा, साइन की पावर फोर अपन नीचे पावर फोर, तो ये बड़ा फैक्टर तो वो नहीं जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स ठीक है। अब एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं, ये को जीरो का वन, तो वन प्लस वन, वन प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है ना, और यहाँ पर पाई स्क्वायर भी छूट गया अपन से, तो ये इसकी मल्टीप्लाई भी था ना, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा आंसर कितना जाएगा, वन प्लस कितना लगता है टू गज का फोर, तो आंसर आ जाएगा फोर पाई स्क्वायर ठीक, आंसर सी हो जाएगा। ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं था आपको समझाने के लिए, बड़ा किया आप जल्दी कर सकते, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2021 में 18 मार्च को शिफ्ट वन ठीक, यहाँ पर भी सोल्व करने के लिए वैसे अपन एनालिसिस रूल लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेंशन लिख देता हूँ, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का एक्सपेंशन मुझे पता है तो मैं लिख रहा हूँ ठीक है। मैंने सिर्फ एक्स की बात थ्री तक लिया है क्योंकि डिनोमेटर में एक्स की बात थ्री ही है ठीक है ना, अब इसको सोल्व करते हैं तो मिलेगा वो एक्स से तो एक्स कट जाएगा, और ये एक्स क्यूब माइनस में है तो इसको देखो इसको लिखता हूँ मैं, उसको मिलेगा अपन को ठीक है ना। अब यहाँ से एक्स क्यूब कट जाएगा तो सोल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू एल के बराबर रखी तो एल की वैल्यू हो जाएगी बच्चों इसके फॉर्म में यहाँ प्लस आता है अपने कैलकुलेटर में ठीक है, कर लेंगे तो मिलेगा ठीक है। तो अपन को एल की वैल्यू 1.6 मिल जाएगी ठीक है, तो अपन को 6L प्लस 1 की वैल्यू मिलेगी बच्चों को, क्योंकि एल की वैल्यू 1.6 थी तो 1 प्लस 1 2 मिल जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा इसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये अगला क्वेश्चन है अपना 2020 में 21 में आए थे 17 मार्च को ठीक है, शिफ्ट 2 में ओके। अब यहाँ अगर मैं एक्स की जगह थीटा की जगह जीरो रखूँ तो यहाँ साइन जीरो बन जाएगा, यहाँ जीरो बाई जीरो टू बन सकती है, यहाँ पर जब जीरो रखोगे तो कोस जीरो वन होता है तो यहाँ पाई बनेगा टेन पाई, तो टेन में भी वही प्रॉब्लम होती है जो अपन ने साइन में देखी थी अभी ठीक है ना, कि ये वाला भी जीरो बनना चाहिए ठीक है ना, यहाँ नहीं बन रहा है तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको बनाने के लिए कोस स्क्वायर को लिख दूंगा वन माइनस साइन स्क्वायर, कोस के बाद क्या बनता है ठीक है, तो नीचे तो फॉर्म बन रही साइन वाली बच्चों, तो मैंने एंगल पर एंगल करके ये वन हो जाएगा ठीक है, यहाँ भी मैं थीटा स्क्वायर से मल्टीपाई डिवाइड कर दूंगा ये भी वन हो जाएगा ठीक है ओके। और अपन अगर इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों 180 माइनस थीटा हो जाएगा, देखिए क्या मिलेगा, और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो होता है माइनस थीटा ठीक है ना, माइनस टेन थीटा तो मिलेगा ठीक है। अभी टेन की फॉर्म में आ गया है तो अपन इस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अपन को ये वन मिल जाएगा, तो मिलेगा ठीक है, जिससे ये तो वन हो जाएगा। लेकिन अब क्या बचेगा, मैं उसको लिख रहा हूँ पाई से पाई कट जाओ, क्या बचेगा ऑल ओवर देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऑल थीटा स्क्वायर ये भी वन हो जाएगा, तो ऑल ओवर मिल जाएगा आपको माइनस वन बाई टू, तो ऑप्शन ए।
ये आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगला क्वेश्चन में। अभी अगला क्वेश्चन आ गया अपने सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2021 में बच्चों 17 मार्च को, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है और जीरो प्लस मतलब ये आपसे कह रहा है कौन सी लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो पहले से सॉल्व कर लेते, राइट हैंड साइड में क्या रखेंगे देखो, ठीक है ना। बॉक्स के अंदर रखेंगे तो बॉक्स जीरो प्लस एच जीरो से वन के बीच में रहेगा, उसका बॉक्स हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी तो बॉक्स तो जीरो जाएगा फटाफट, ठीक है ना। ओके, तो एक्स की जगह एच आ जाएगा तो वो मिलेगा और डिनोमिनेटर में जैसे एच को मान लूंगा तो बचेगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स एच अपॉन एच की वैल्यू वन होती है ना, आपको फॉर्मूले के थ्रू बता चुका हूँ। ये रखने के बाद एच की जगह जीरो रख दो तो ये जीरो जाएगा। कोस इनवर्स जीरो, कोस इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई बाय टू होती है, क्या होती है पाई बाय टू। तो ऑल ओवर इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय टू, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का 2021 में आया था 26 फरवरी को सिर्फ, तो कैसे करेंगे इसको, आप इसको ढंग से देखें बच्चों को। देखो ये एंगल सेम है, ठीक है, यहाँ भी एंगल सेम है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, टू से डिवाइड करने जा रहा हूँ इस सीरीज को। जैसे मैंने टू से डिवाइड ऊपर किया, टू से ही डिवाइड नीचे कर दिया, तो क्या फायदा मिलेगा बच्चों। मैं इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना लूँगा, देखिए इसको ले दूंगा साइन कोस 60, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, और इसको ले दूंगा साइन 30। अब दोबारा ओके मैं लिख ही रहा हूँ आपके सामने देखिए, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा बच्चों साइन ए माइनस बी, क्योंकि ये ए है तो ये घट जाएगा, तो पाई बाय 6 कट जाएगा, एच ही बचेगा। अब आप देखिए बच्चों ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी अपनी, ठीक है ना। अब एच की जगह जीरो रख दोगे तो कितना बच जाएगा बच्चों अपने को, ये साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 कितना होगा, रूट 3 बाई 2, तो यहाँ तो आया था 2 बाई रूट 3 और ये हो गया साइन 60। साइन 60 कितना होगा, रूट 3 बाई 2, ठीक है ना। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, रूट 3 रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 4 को 3, जो ऑप्शन इनमें दिया हुआ। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये 2021 में आया था 17 मार्च को, ठीक है। अब बच्चों देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के, तो तुमको क्या करना पड़ता है बच्चों, सोल्व करिए आप आराम से, लेकिन एक अच्छा मेथड होता है जिससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। सैंडविच पेपर लगाइए, सैंडविच में क्या लगाते हो, ऑप्शन किताब लगा लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। ये मेथड लगा के आप सोल्व कर सकते हो सैंडविच पेपर बना के। मैं सेकेंड तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ भी बॉक्स आ रहा है बच्चों बॉक्स को हटा दो, डायरेक्ट लिख लो खत्म हो। यहाँ से आर को बनने लगे तो क्या बचेगा, ठीक है। अब प्रथम एन नेचुरल नंबर का सम होता है बच्चों एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में से इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन गई बच्चों, क्या बन गई बच्चों, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन गई। अब इसको सॉल्व करना ईजी है, ठीक है ना। हाई स्क्वायर कॉमन लेना, एन स्क्वायर एन स्क्वायर कट जाएगा तो आर ऑल ओवर आंसर हो जाएगा बच्चों अब उनका आर अपॉन टू। एन बीच से करोगे तब भी ये आएगा, तो ए आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, ये करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये 2021 का 31 अगस्त को आया था, उससे टू, तो यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अपन क्या करते हैं बच्चों ना, यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो अपन क्या करेंगे अल्फा को निकालने के लिए, तो अपन क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन दूंगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन मिलेगा अपन को, ठीक है। अब साइन पाई बाय 4 और कोस पाई बाय 4 की वैल्यू बटा कोस √2, इसको बाहर निकाल लेते हुए हमको मिलेगा, ठीक है ना। ये कर दिया मैंने, जैसे कोस को वन वो रूट टू को निकाल के यहाँ रख दिया, ठीक है। अगर अच्छा कोस थीटा को मिलने लगा तो यहाँ बच जाएगा 1, तो यहाँ पर कोस थीटा था तो साइन अपॉन कोस क्या था 10, ठीक है। यहाँ से फायदा क्या मिलेगा, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 10 ए माइनस बी 10 ए प्लस बी लिख दिया, ये कट जाएगा आपस में और माइनस साइन दी जाएगा, ठीक है ओके। तो अब तो अपन को ईजी पड़ जाएगा, अब अपन वैल्यू रख लेते हैं कोस 45 कितना होता है, 10 45 1 होता है, ये रूट 2 होता है, तो रख लेते हैं तो मिलेगा अपन को आंसर। इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा बच्चों ये आ जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस 4 आ जाएगा, मतलब अपना एल को तो आ गया माइनस 4। अब बीटा को सोल्व करते हैं, ठीक है। बीटा में 1 के पावर इनफिनिटी बन रहा है, तो 1 की पावर में ले जाता हूँ पूरे क्वेश्चन को, तो मिलेगा, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने,
कौन सा कौन सा लिख दे 4 को। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे बच्चों ऐसा, कोस की फॉर्म होती है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन माइनस कॉमन लोगे यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है, एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लेंगे, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्वायर रखा है, एक मिनट से लिख लूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर ने यहाँ ले लिया, अब ये एक्स स्क्वायर से ये भी कट जाएगा, हाँ कि ना, तो ऑल ओवर बचेगा अपन को e की पावर -x/2। अब x की जगह 0 रख दोगे तो ऑल ओवर बचेगा e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो अपन को इसके रूट मिल गया बच्चों, एक -4 मिल गया और एक 1 मिल गया। ठीक, उसके बाद अपन इसको निकाल लेते हैं, तो हमको मिलेगा बच्चों a और b मिलेगा, रूट है तो ये सेटिस्फाई करेंगे तो इसमें रख देना। ठीक है ना, क्या मिलेगा अपन को, सब वो प्रूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट रख देंगे अपन यहाँ पर, तो अपन को मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ से प्रोडक्ट में ये -4 कट जाएगा, तो a की वैल्यू तो आपकी 1 आ जाएगी बच्चों, a की वैल्यू 1 को इक्वेशन 1 में रख देना, तो b की वैल्यू भेजिए, b की वैल्यू फिर आ जाएगी, तो 1 को माफ, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1 को, तो डी आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा है, लेकिन है नहीं। ठीक है, कैसे लिमिट लगा रखी है, तो उसके बाद समेशन दे रखा है, तो बहुत बड़ा है, ये 2021 में आता बच्चों 26 अगस्त को। अब लिमिट जो एक्स है इसकी एक्स की 2 कर दो, क्या मिलेगा अपन को देखिए। ठीक है ना, यहाँ से ये भी कट जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, इसके फैक्टर आप अच्छे जानते हो, n+2 n+1। तो क्या होगा, अब जो ऊपर 1 है उसको इन दोनों के डिफरेंस के रूप में लिख देता हूँ, मिलेगा हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो अपन को मिलने वाला है। ठीक है, अब 1 से 9 वैल्यू कर देता हूँ। अब ये रखने पर देखें साइड टर्म्स कट जाएगी, फर्स्ट बच गया है और सब कट जाएगी बच्चे। ठीक है, फर्स्ट हमेशा लास्ट बचता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, क्या मिलेगा अपन को, तो सोल्व कर लेंगे इसको, सोल्व करने के बाद अपना आएगा 9/44 हम से एलसीएम लेना बच्चों आराम। ठीक है, 22 आएगा, 2 × 44 आंसर आ जाएगा, ये दिखने में टफ लग रहा था लेकिन सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये कुछ लिमिट पढ़ लेते हैं अपन, लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जो एग्जिस्ट नहीं करती कभी भी। जैसे ये अगर x आपने रखा है यहाँ पर 1/x, अभी ये इनफाइनाइट बनने वाला है, तो सभी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ भी अगर लिमिट x में 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 की पावर इनफाइनाइट जो एग्जिस्ट है, 0 इनफाइनाइट की पावर 0 नहीं हो। यहाँ रखोगे अगर आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसको, राइट हैंड साइड लोगे तो यहाँ मिलता है 1, तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, देखो ये फिर से आ गया साइन के अंदर और कोस के अंदर, मान लो एक्स जीरो है और साइन और कोस 1/x जा रखा है, कोस 1/x जा रखा है, अगर आपने एक्स की जगह 0 रखा तो क्या बन गया बच्चों, कोस इनफाइनाइट बन गया, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और साथ में साइन इनफाइनाइट, इनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, होगी तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से 1 होगी, लेकिन अपन को पता नहीं कि क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, घूम भी रहेगी आगे ना, जब अपन एडवांस में पढ़ते हैं तब ये बताइए इसके बारे में। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है तो एग्जिस्ट कैसे करेगा। ठीक है, यहाँ भी वही बात है और यहाँ भी यही बात, हाँ कि ना, ऐसे ही e की पावर इनफाइनाइट भी, e की पावर इनफाइनाइट हमेशा क्या रहता है बच्चों, 0 की तरफ जाता है, और e की पावर -∞ रहता है 0 की तरफ, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ लिया है जो फंक्शन होते हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, सॉल्व भी करके याद करने की जरूरत नहीं। ओके, इस तरीके से अपन ने ये चैप्टर रिवाइज कर लिया है, क्या कर लिया अपन ने, PYQ क्वेश्चंस कर लिए 2021, पूरी थ्योरी रिवाइज कर ली है। ठीक है, कोशिश मैंने पूरी की है, आपको जब भी जल्दी से चैप्टर रिवाइज करना हो तो चैप्टर को यहाँ पर देख लें। ठीक है, थैंक यू।